को अच्छा खासा डैमेज पड़ चुका है, इमीडिएटली फॉल बैक करेंगे एंड ग्रेनेड्स के साथ शुरुआत की जाएगी। टीएसएम निंजा जॉट का ग्रेनेड गॉब्लिन होते हैं नॉकआउट। सोल वर्सेस टीएसएम में काफी शानदार फाइट यहां पे बन सकती है। नेड्स दोनों तरफ से करे जा रहे हैं, निंजा थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश, उनकी तरफ से भी यहां पे नेड्स जरूर डाले जाएंगे। प्यू प्यू थोड़ा सा आगे जाके अपनी यूएमपी का स्प्रे जरूर करना चाहेंगे। गॉब्लिन जिनको यहां पे रिवाइवल मेरे ख्याल से मिलना शुरू हो चुका है, बट नेड्स आने रुके नहीं है। अक्षत भी यहां पे मेरे ख्याल से नॉक कर सकते हैं, शॉट देने की कोशिश, बट प्यू प्यू यहां पे निंजा जॉर्ड को नॉक कर देंगे। निंजा का जो नेड आया था अक्षत को नॉक जरूर करा उन्होंने। टीम सोल बैकफुट पर जा सकती है, बट अभी भी अगर बात की जाए टीएसएम, उनके पास सिर्फ एक प्लेयर मौजूद है, एंड दैट इज गोइंग टू बी एक्विनॉक्स। वेल एक्विनॉक्स के पास रिस्पांसिबिलिटी जरूर आएगी, बट लुक एट दैट्स कमिंग इन फ्रॉम गॉब्लिन एंड I believe that's it for TSM जो eliminate हो जाएंगे 13th position पे। TSM looks like Celsius यहाँ पर सोल को तंग करने वाले प्लेयर थ्री को नॉकआउट किया गया है। अगर केयरफुल नहीं रहते फिनिश पॉइंट भी मिल सकता है, एंड किसी भी हाल में वो रिवाइवल अभी के लिए देना पड़ेगा अक्षत। आप देखिए डाउन ओपी को भी यहाँ पर नॉकआउट सक्सेसफुली करते हैं। बिल्कुल कमाल का सिचुएशन यहाँ पर टीम सोल के लिए बन चुका है। थोड़ा सा ओपन एरिया अगर जोन उनके ऊपर नहीं आता तो थोड़ा सा मुश्किल उनके लिए भी हो सकता है। मीनवाइल अगर बात की जाए टीएमएन ईस्पोर्ट्स के 420 ओपी को, वेल दैट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल एग्जीक्यूशन। सोल प्लेयर थी ऑलरेडी ही हैज टेकन ऑफ हिज क्लोथ्स एंड वो बिल्कुल भी इन्फो नहीं देना चाहते, बट टीम नगेट के प्रो ओपी को एंटिटी के शैडो के ग्रेनेड के द्वारा नॉकआउट किया जाएगा। लुक्स लाइक ट्रॉय हैज फाउंड अ क्लियर कट एंगल ऑन टीम सोल एंड प्लेयर थ्री को इमीडिएटली नॉकआउट किया जाएगा। टीम सोल आर इन ट्रबल, एलिमिनेट हो सकते हैं जरूर, लेकिन रिटर्न में जरूर स्प्रे आएगा। प्यू प्यू को राइट साइड से शॉट्स पड़ रहे, संभल के आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड देखिए वो राइट साइड पे बिल्कुल फोकस नहीं करे, वो फोकस करे कि सेल्सियस ना आगे बढ़ पाए, बट